नमस्कार, समाचार क्यारी से प्रिया शर्मा दोपहर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्लैकलिस्ट होने से फिर बचा पाकिस्तान, FATF की बैठक में मिली फरवरी 2020 तक की मोहलत। पीएम मोदी बोले, धारा 370 का जिक्र करने पर होता है कांग्रेस के पेट में दर्द। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हुडा को दी नसीहत, कहा अगर अच्छे दिन काटने हैं तो हारना ही अच्छा है। हरियाणा के दंगल में मनोज तिवारी का अंदाज, गाने गाकर मांगे वोट, इस दौरान उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। फतेहाबाद में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निकला जुलूस, हुआ विरोध प्रदर्शन। FSSAI की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, देश में 41% दूध की क्वालिटी ठीक नहीं। टोहाना में जजपा की विजय रैली में उमड़ी भीड़, मंच से अशोक तंवर ने भी दिया समर्थन। जहरीली हुई हरियाणा के 13 शहरों की आबोहवा, सिरसा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। राजनाथ सिंह बोले, जम्मू कश्मीर का मुद्दा देश का मामला है, इसे अंतर्राष्ट्रीय क्यों बना रही है कांग्रेस। कैथल में 3 महिलाओं के ऊपर चढ़ी क्रेन, एक की मौके पर मौत, मां बेटी की हालत गंभीर।